मेरा नाम डॉक्टर ज़ैगम अब्बास है, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ एट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन कैंपस। हमारे यहाँ हर तरह के एंडोस्कोपिक प्रोसीजर यहाँ पे डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक हो रहे हैं। ERCP अब्रीवेशन है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी का। ये बेसिकली ये खास किस्म का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जो कि रेडियोलॉजी की हम इसमें एक्सरेस लेते हैं और एंडोस्कोपी करते हुए जहाँ पे पित्ते और पैनक्रियास की नाली छोटी आंत में खुलती है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उसकी ओपनिंग को हम कैनुलेट करते हैं, उसके अंदर डाई इंजेक्ट करके हम एक्सरेस लेते हैं। अब इन एक्सरेस लेने का मकसद क्या होता है, हम देखते हैं कि कई इनकी कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है बाइल डक्ट्स की। अब बाइल डक्ट की क्या बीमारियां हो सकती है, बाइल डक्ट में कोई स्टोन हो सकता है जो कि गॉल ब्लैडर से निकल के बाइल डक्ट में चला जाता है, वहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन करता है, दर्द करता है और इससे जॉन्डिस भी हो सकता है। इसके अलावा बाइल डक्ट में जो है सुकड़ाव का अमल भी हो सकता है, यानी कि जो सुफरा की नाली हैं या पिट्टे की नाली हैं वो सुकड़ सकती हैं। ये सुकड़ाव का अमल इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होता है और कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब हम देखते हैं तो हम इसके अंदर जो है थेरापेटिक इंटरवेंशन कर सकते हैं। मसलन इसके अंदर हम स्टेंट डाल देते हैं, नलकी डाल के इसको खोल देते हैं। अगर कोई पत्थर पित्ते की नाली में हो तो हम पत्थर को निकाल लेते हैं ERCP के थ्रू। और इसके अलावा पैनक्रियास की बीमारियां जो हैं उसके लिए भी ERCP की जाती है। बाज़ पैनक्रियास की जो डक्ट है उसमें खराबी आ जाती है, उसके अंदर स्टोन आ जाते हैं, स्लज आ जाता है, तो पैनक्रियास की डक्ट को भी हम खोल सकते हैं। इसके अंदर भी हम स्टेंटिंग करते हैं या इसमें नलकी डाल देते हैं ताकि ये खुली रहे। बाद का ऐसा होता है कि सर्जन हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि जी हमने गॉल ब्लैडर की सर्जरी की और पित्ते की नाली को डैमेज हो गई, उससे लीकेज शुरू हो गई, तो ऐसी सूरत में भी ERCP करके जहाँ पे ओपनिंग होती है उसमें खोल के तो उसके अंदर नलकी डाल देते हैं, स्टेंट डाल देते हैं ताकि जो लीकेज का अमल जो है वो रुक जाए और बाइल नॉर्मल तरीके से छोटी आंत में ड्रेन होने लगे।